अब अपने डिस्कस करेंगे एग्जाम में कैसा सम्स आता है। ठीक है, इस शॉर्ट टर्म वन पे सर्च भी आ गया क्या, हटाया नहीं इसको, चलो कोई बात नहीं। आओ थोड़ा समझो, पहले इलस्ट्रेशन 13 पढ़ते। देखो मिस्टर सुनील इज अभी तुम लोग को मैंने बोला था लास्ट क्लास, तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अलाउ डिसअलाउ समझना है। आज लिखना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे ही 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिस्टर सुनील इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट, उसका ही हैज आल्सो अ प्राइवेट अकाउंटेंसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेरी तरह ही है, बट खाली मेरा प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। ठीक है, तो सीए होने के बाद बावजूद भी वो आदमी अपना अकाउंट्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल के रखा है। क्या खोल के रखा है? कोचिंग। इस बैंक अकाउंट से ये सब डिटेल पता चला है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 20,000 है क्या बैंक का ओपनिंग बैलेंस? हाँ सर। ऑडिट फीस से कितना पैसा कमाता है वो? 2 लाख कमाता है। इनकम फ्रॉम अदर ऑडिट वर्क भी मिलता है उसको, कितना कमाता है? कोचिंग फीस से भी कमाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया लैंड वैंड में या फिक्स डिपॉजिट में, वहां से इंटरेस्ट मिलता है। टीचर भी है वो, मतलब इसको इंस्टीट्यूट का कॉपी भी चेक करने को आता है उसके पास, तो उसका फीस भी उसको मिलता है, कितना रुपया? 1,000 रुपया। कुछ हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी है, कितना रुपया? 5,000 रुपया। ऐसा बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम है। तुम खुद सोचो, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी उसका क्या चार्टर्ड अकाउंटेंटेंसी का इनकम है क्या? नहीं ना। कौन सा सोर्स का इनकम है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो तो नहीं ना आएगा पीजीपीपी में, उसका प्रोफेशनल इनकम तो नहीं है, उसका वो प्रोफेशनल इनकम तो नहीं है। नेक्स्ट, ऑफिस का खर्चा उसका, हो सकता है रेंट वेंट देता होगा अगला, बहुत सारा खर्चा उसका, म्यूनिसिपल टैक्स भी देता है ना हाउस प्रॉपर्टी पे, कोचिंग एक्सपेंसेस भी उसका, कुछ पर्सनल एक्सपेंस तो आने ही नीचे भैया, अपना पर्सनल एक्सपेंस क्यों प्रोफेशन वाला खर्चा में दिखाएगा तू? उसके बाद मेंबरशिप फीस है, सीए वाले जो होते हैं ना उनको एक मेंबरशिप फीस देना पड़ता है इंस्टीट्यूट को, तो मेंबरशिप फीस देता है वो। मेंबरशिप फीस अगर नहीं दोगे तो आपका जो सीए है वो बेटा कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर यू हैव टू पे मेंबरशिप फीस हर महीना, जैसे मैं देता हूँ हर साल 3-4 हज़ार रुपये लगता है हम लोग का, मेंबरशिप फीस देना पड़ता है। उसके बाद एलआईसी, खुद का जीवन का बीमा नहीं आएगा, नहीं आएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, बताया था तुम लोग को लास्ट क्लास। इनकम टैक्स, खुद का इनकम पे टैक्स है, ये ड्राइंग्स होता है, इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, खुद का इनकम पे बिजनेस है टैक्स नहीं आएगा, डिसअलाउ। मोटर कार खरीद रहा है, मोटर कार का खर्चा है, इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी है, ये सब डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, क्या इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी बताएंगे, हम सब बताएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या बोले सर? 20%। हाँ बोलो, वही हम लोग बात करेंगे। ये इसका पीएल अकाउंट नहीं है, इतना में बना के दिया कि इतना इतना पैसा मिला, इतना इतना खर्चा उसका हुआ है, हम लोग को एग्जैक्ट निकालना उसका प्रोफेशनल इनकम कितना होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो बहुत डिस्कस करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं पूरा समझाऊंगा सब। फर्स्ट क्लास नहीं किया आपने, वीडियो भी नहीं देखा, हो गया ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुका है। पर भैया ये तो खाली फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, ये तो वीडियो से तो नहीं है। नहीं है, क्यों देखे पता चल जाएगा। ठीक है, कोई टीची टाइम इसके तो नहीं ना दूंगा। 3 लाख साल का है वो खाली, कुछ होगा साल का, हाँ पूरा फॉर द ईयर एंडेड है। बोले सर प्रैक्टिसिंग सीए बन के 3,29,000 कमा रहा है, फायदा है, साल का 3,29,000 में बीवी छोड़ के भाग जाएगी। 20% ऑफ मोटर एक्सपेंसेस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशन, जो मोटर एक्सपेंस कर रहे हैं ना वो गाड़ी का जो खर्चा कर रहा है जेन्युइन है, मगर खाली 20% उसका प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो बाकी 80% उसका पर्सनल है, 80% डिसअलाउ कर दो, बाकी 20% अलाउ हो जाएगा। नहीं समझा? लास्ट डे तो बताए थे कि जो प्रोफेशन है बिजनेस का खर्चा है वो अलाउ होगा, और जो नहीं है वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर मोटर कार इज 20,250 इफ ओनली यूज फॉर प्रोफेशन। सर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा मोटर कार पे अगर वो पूरा किसके लिए यूज करे सर? प्रोफेशन के लिए यूज करे, कितना मिल जाएगा? 20,250 ये डेप्रिसिएशन मिल जाएगा सर। अच्छा बात है, हम लोग को बोला सर कैलकुलेट, लिखा नहीं है नीचे, कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील फॉर द असेसमेंट है 2023-24। ठीक है, हेडिंग दो फटाफट, कंप्यूटेशन ऑफ, तीन कॉलम बना लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल नहीं पहले प्रोफेशनल इनकम निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील पीजीपीपी, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ प्रोफेशनल या टोटल क्या नहीं लो, क्या नहीं, अच्छा इसमें क्या निकालने को, तो ग्रॉस टोटल इनकम ही निकालने वाले। ठीक है, लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील। हाँ इसका एक फोटो लेके रखो ना अपने पास फोन में, लो जिस साल आप कमा रहे हो वो प्रीवियस ईयर है,
और जी साल उसका टैक्स जीरो असेसमेंट ईयर है। हाँ जी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आगे क्या बोले भैया? इनकम की बात क्या बोले? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुनील। फोटो ले लिया? इजन भेज दो ना, ले लिया होगा तो ठीक है। चलो चलो, फोटो लिया। सबसे पहले मैंने बोला तीन कॉलम बना लो, पर्टिकुलर का, डिटेल का, अमाउंट का। पर्टिकुलर का, डिटेल का, अमाउंट का। सबसे पहले उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं अपने। क्या निकालते हैं? सब हेड का अलग अलग इनकम आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मेरे को बताओ जीएवी कितना आएगा उसका हाउस प्रॉपर्टी का? पीएल देखो, रिसिप्ट का साइड देखो, जीएवी कितना आएगा? स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं ना दिया हुआ है। हाँ, कुछ नहीं दिया हुआ है। यस और नो सर? तो सर अगर कुछ नहीं दिया, उसके बाद एक्चुअल रेंट चेक करते हैं ना, तो एक्चुअल रेंट दिया हुआ है क्या? कितना रिसीव हुआ है? वही जीएवी हो गया था। तो जीएवी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5,000, ठीक है। जीएवी 5,000। हाँ, उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते थे, याद करो, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करते थे तो एनएवी आता था। इसको इनर बना का इनर नहीं, तीन मत बनाओ, ये है इसका फाइनल, यहाँ ले आऊंगा मैं, ठीक है। बता रहा हूँ, जीएवी लेस म्यूनिसिपल टैक्स, कितना म्यूनिसिपल टैक्स और अंदर है, ठीक है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना हो गया? 5,000 - 800। तो अब देखो एक बार यहाँ पे इन दोनों का जो टोटल है यहाँ पे लिया, इसको क्या बोलता था तुम लोग याद करो? एनएवी बोलता था ना, है ना? एनएवी, एनएवी कितना आया? 4,200 आया। इस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, याद है क्या? कितना परसेंट? 30%। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनएवी पे कितना आ जाएगा? देखो तो 4,200 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 1260। और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन तो है नहीं सर, तो यही तुम्हारा आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना आ रहा चेक कर लो फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? 2,000। इसको एकदम बाहर लिख दोगे, देखो लिखने का तरीका, देखो अब लिखने का तरीका देखो, सीधा बाहर लिख दोगे एकदम यहाँ पे 2,940। ये मेरा एक आ गया आंसर, ठीक है। हाँ अभी, हाँ नेक्स्ट आओ ना यार। अब सबसे तगड़ा इनकम निकाल रहे हम लोग उसका, पीजीपीपी का प्रोफेशनल इनकम। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट यही है मेरे लिए तो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए यही है। मैं इसको तो नेक्स्ट पेज में ले ले रहा हूँ क्योंकि जगह ज्यादा लगेगा। तुम लोग उसकी उसी के नीचे लिखना, कैसे लिखेगा एक बार यहाँ दिखा दे रहा हूँ, लिखना मत, मतलब तुम लोग यहीं पर लिखना। अब नेक्स्ट कौन साइड है? पीजीबीपी, ऐसे लिखेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, पीजीबीपी उसका प्रोफेशनल इनकम। चलो एक चीज बताओ, रिसीप्ट साइड में क्या क्या देख के लग रहा है कि उसको प्रोफेशनल इनकम है उसका, जो उसका मेन सीए से है, जो उसका सीए से है, सीए का इनकम, जो जॉब करके प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करके कमाता है प्रैक्टिस कर, ऑडिटिंग फीस, ऑडिट फीस तो उसका वही है ना, और भी कुछ है क्या? अदर ऑडिट वर्क भी तो है, ऑडिट का ही तो काम है। कोचिंग का जो फीस मिल रहा है वो प्रोफेशनल इनकम है उसका, उसको प्रोफेशनल तो नहीं मिल रहा है ना, उसका प्रोफेशनल तो दो ही हुआ, एक ऑडिट फीस और एक इनकम फ्रॉम अदर ऑडिट वर्क। उसका प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो तो अदर सोर्स हो गया। उसको प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस करके उसका प्रोफेशनल इनकम क्या, वो जो प्रैक्टिस कर रहा है, उसको प्रैक्टिस करके तो वही सारा मिल रहा है। टीचिंग विचिंग कोचिंग तो उसका अदर सोर्स हो गया था। आज मेरा प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट नहीं है, मैं क्या करता हूँ दिन भर यही करता हूँ, तो ये मेरा प्रोफेशनल इनकम हो गया। मैं अगर मान लो 8 घंटा पढ़ रहा हूँ, 2-3 घंटा ट्यूशन पढ़ा दे रहा हूँ, तो वो तो मेरा प्रोफेशनल इनकम नहीं होता, अदर सोर्स, चलो टाइम पास के लिए हो गया, और जो कुछ काम कर दिया। तो मेन उसका प्रोफेशनल इनकम दो हुआ, ऑडिट फीस, और लिख लो ऑडिट फीस कितना है, इधर लिखेगा, देख लो कैसे लिख रहा हूँ, जैसे लिखा था, और इनकम फ्रॉम अदर ऑडिट वर्क 1,00,000। टोटल बाहर टान लो कितना आ जाएगा? 3,00,000 आएगा, आएगा क्या? 3,00,000। अब उसमें से खर्चा क्लेम नहीं करेगा वो अपना एक्सपेंसेस, तब ना फाइनल इनकम पता चलेगा। सोच के देखो, ऑडिट फीस वाला जो प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंट है उससे रिलेटेड उसका क्या क्या खर्चा है,
उससे रिलेटेड क्या क्या खर्चा, मैं पहले तुम लोग से पूछ तो, हाँ ना बोलना, पेमेंट में ऑफिस एक्सपेंस लिखा हुआ है, वो उसका प्रोफेशन रिलेटेड खर्चा है कि नहीं है? हाँ। बिल्कुल है, ऑफिस ऑफिस लेके रखा है वो, तो ऑफिस एक्सपेंस तो प्रोफेशन के लिए ना होगा, ऑफिस एक्सपेंस है। हाँ। आएगा ही तो माइनस करो, समझा मेरा बात? प्रोफेशन का जब भी सम्स आएगा ना, प्रोफेशन का जब भी सम्स आएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा, और बिजनेस का अगला सम्स कराऊंगा तो जो जैसे करना होगा देख लेना वो तरीका, प्रोफेशन का सम्स ऐसे ही करना। अच्छा, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स का काम हो चुका, कोचिंग एक्सपेंस आएगा क्या? नहीं। वेरी गुड। पर्सनल एक्सपेंस आएगा क्या? नहीं। मेंबरशिप फीस आएगा? बिल्कुल। अब तुम लोग सीख गया ऑलरेडी, अब तुम लोग ऑलरेडी सीख गया। कितना रुपया मोहित पोता? 500। ओहो, बहुत सारे खर्चे थे ना उसके, एक खाली इसको इधर टान दो ना, ताकि खर्चा मैं यहाँ पे एक साथ ऐड करके बाहर ले जाऊंगा। 500 आया मेंबरशिप, 500 आया। लाइफ इंश्योरेंस आएगा? नहीं ना आएगा। इनकम टैक्स आएगा? उसका खुद का इनकम टैक्स ड्रॉइंग्स होता है, खुद का इनकम पे टैक्स देता है, ड्रॉइंग्स होता है, वो नहीं आता। इनकम टैक्स पर्सनल कमा तो रहा है वो खुद, लेकिन टैक्स दे रहा है अपना उधर का बिजनेस या प्रोफेशन का पैसा से, तो ड्रॉइंग्स हो गया ना। इनकम टैक्स हमेशा क्लास 11 का जनरल एंट्री भी चल रहा है मेरा, उसमें आप सीखोगे इनकम टैक्स का खर्चा का एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश होता है। क्या होता है? ड्रॉइंग्स टू कैश। ठीक है, समझा मेरा बात? नेक्स्ट आओ, मोटर कार तो एसेट है, खर्चा थोड़ी है, वो तो एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है, वो नहीं आएगा, लेकिन उसका एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, लेकिन गलती हो जाएगा अगर तुम पूरा एक्सपेंस ले लेगा तो, क्यों बताओ? वेरी गुड। केवल 20% लेगा, केवल कितना लेगा? 20% लेगा, कितना हो जाएगा? 2050 क्या कि 2040? 10,200 है, तुम 10,250 लिखा 20%। और एक चीज बताओ, सर, नेक्स्ट क्या है सर? इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है सर, क्या बोला सर? इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी दिया हुआ, आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा बताओ जल्दी सर? हाउस प्रॉपर्टी, और सुनो, मैंने बताया था हाउस प्रॉपर्टी में अगर तुम एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेता है, कोई खर्चा अलाउ नहीं होता है, याद करो। तुम लोग बोलते हाँ सर आप तो बकवास बात करते, रिपेयर देता था, इंश्योरेंस देता था, अरे बहुत सारा खर्चा देता था, तुम लोग नहीं लेता था उसको, क्योंकि उसके लिए क्या मिला तुमको? स्टैंडर्ड डिडक्शन। इंश्योरेंस रिपेयर अगर दे तो वो सब नहीं लेना है, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं लेना है तुमको, यहां से भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में तुम क्या ले चुके ऑलरेडी? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कॉपी खोलना जाके, हाउस प्रॉपर्टी डिवीजन करना, उसमें लिखा है रिपेयर इंश्योरेंस का खर्चा नहीं लेते हैं, उसके लिए ऑलरेडी मेरे को डिडक्शन मिल गया एक साथ, कितना परसेंट? 30। थोड़ा तो याद है क्या देते तुमको ये सब चीज? वेरी गुड, चलो इज्जत बचाया तुम, समझा हर्ष? तुमको याद है? वेरी गुड। अब आया जो नहीं पढ़ गया है। नेक्स्ट डेप्रे, अच्छा ये तो हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ए का तो हमने काम कर दिया, बी में बोला है डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा 20,250 का अगर मोटर कार पूरा प्रोफेशन के लिए यूज करे तो, पूरा माइनस कर दो 20,250। ऊपर का लाइन पढ़ लो, 20% ही तो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी 20% ले लो ना। अरे मोहित, एक गाड़ी है, नहीं 20,250 पूरा डेप्रिसिएशन मिलता तुमको अगर तुम पूरा प्रोफेशन के लिए यूज करता, उसके ठीक ऊपर लाइन में बोल दिया तुमने पूरा प्रोफेशन के लिए यूज नहीं किया, कितना परसेंट यूज किया? तो बस 20,250 का 20% ही तुमको डेप्रिसिएशन अलाउ होगा, 20,250 का 20%, क्योंकि 20,250 तब होगा जब तुम पूरा प्रोफेशन के लिए यूज करेगा, तुम पूरा कर रहा है, कितना कर रहा है, तो माइनस भी 20% ही होगा, तो 4,050 हो गया। सारा खर्चा बाहर ले आओ, सारा खर्चा बाहर ले आओ, सारा खर्चा बाहर ले आओ, और इसको भी आउटर में ले आओ, फाइनल क्या इनकम बच रहा है, तब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर लो। टू फोर फाइव नाइन जीरो अभी बाहर आएगा तो क्या बचेगा? 275 आ गया, दो इनकम आ गया मेरा, एक हाउस प्रॉपर्टी का आ गया, और एक आप अदर सोर्स निकालेंगे, कोचिंग फोचिंग जो कमा रहे हो, कोचिंग फोचिंग जो कमा रहे हो, ठीक है, ये हो गया। अब अदर सोर्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर? अदर सोर्स, ठीक है, हटा दो ये,
इसी के नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख लो। ये 15 मार्क्स को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये समझ देख, ये समझ करके पढ़ लो, ये समझ देख लो, हो गया फिर पढ़ो। हाँ नहीं नहीं ये समझ कर, कोचिंग फीस है अदर सोर्स, कितना है कोचिंग फीस देखो तो 1200 मैंने इनर में लिख दिया। क्यों इनर में लिख दिया? क्योंकि उसका खर्चा भी तो लेगा, अगला क्लेम करेगा। पेमेंट में देखो कोचिंग एक्सपेंस भी है कुछ, है ना, कितना है कोचिंग एक्सपेंस भी है पेमेंट में, है ना, कितना है, तो वो माइनस करके फाइनल कोचिंग का इनकम बच जाएगा। सोचो मात्र 400 रुपए कमाता है कोचिंग से, तो क्या उसका प्रोफेशनल इनकम थोड़ी होगा? कोचिंग से मात्र 400 रुपए कमा रहे हो तो कहाँ से प्रोफेशनल इनकम होगा? अदर सोर्स ही होगा, वो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ाता होगा मेरी तरह, समझो ना, समझा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, और कुछ दिख रहा है अदर सोर्स रिसिप्ट में? देखो तो कुछ अदर सोर्स में दिख रहा है क्या? और वो भी आ जाएगा अदर सोर्स में, वो भी अदर सोर्स में आ जाएगा। तुम लोग तो सब जान ही चुका है। 400 एग्जामिनर फीस कितना बोला, और कुछ है? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी है ना, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो तो ले लिया हम लोग हाउस प्रॉपर्टी में। मोटर कार एसेट होता है, वो तो एसेट हो गया मोटर कार, आ गया। पर्सनल, क्या पर्सनल? वो नहीं अलाउ होगा, पर्सनल एक्सपेंस तो बिजनेस का खर्चा नहीं है तो अलाउ नहीं होगा। आ गया 3400 आ रही है, आया आया तो 3400। अब तीनों इनकम को ऐड कर लो, हाउस प्रॉपर्टी वाला, पीजीपीपी वाला और सैलरी वाला, अदर सोर्स वाला, तीनों ऐड कर लो और फाइनल आंसर कितना आ रहा है बता दो मेरे को। ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा उसका? हाँ हाँ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट देखो दिया हुआ रिसिप्ट, 281 हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। खुशी का एग्जाम कब आदित्य? अभी जून में है क्या उसका? कौन सा स्टेज चल रहा उसका? उसका है हो गया खत्म, लिख लिया जीटी। कौन सा वो किसने लिखा बताते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम से अगर मान लो उस बंदे का जैसे कोई LIC वगैरह भी है ना, तो LIC का डिडक्शन मिलता है, मतलब जितना का तुम LIC पे करेगा उतना का डिडक्शन मिलता है हम लोग को, तो वो जाके टोटल इनकम आता है। बट अभी हम लोग को डिडक्शन नहीं करना है, खाली ग्रॉस निकालना है। तुम जो भी कमाता है उसमें तुमको बहुत सारा छूट मिलेगा इनकम टैक्स की तरफ से, तुम जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, एग्जैक्टली। हुआ तभी गवर्नमेंट गरीब ऐसा, गवर्नमेंट गरीब नहीं है ऐसा प्रिटेंड करते कि वो प्रिटेंड है। आगे करो ना उसको, आगे कर दी, छोड़ो छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि मटकी ना गिरते हैं। नहीं ना, वो साइड कर, हाँ साइड कर दे पानी, अरे वो गलत की नहीं, अभी तो भरी एक बूंद भी गिरा नहीं। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। इस बार देखो, इस बार अलग तरीका रहेगा, जो अलाउ डिसअलाउ सिखाया था ना आज उसका काम आ गया फाइनली। देखो अपने को प्लीज सुनना, 5 मिनट सुन लेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मिस्टर सोनू करके एक आदमी है, उसका PL दिया हुआ है, उसका PL दिया हुआ है, उसका PL और ट्रेडिंग मतलब साथ ही में दिया, तभी तो ओपनिंग स्टॉक है ना। तो ये लोग PL का नाम दिया है मगर ट्रेडिंग PL सब कुछ है, ठीक है, PL का नाम दिया मगर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, मैंने तो कल तुम लोग को बोला था ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउ हो जाएगा, याद है, क्योंकि ये हम लोग अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लिए हैं। हम लोग अगर अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन लेते हैं ना, इनकम टैक्स वाला नहीं मानता है,
वो बोलेगा नहीं डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से निकालेंगे, जो तुम लोग सीखा लास्ट वीडियो में निकालना, तो वो अपने हिसाब से परसेंटेज निकालते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन लेते हैं, तो इनकम टैक्स का अलग फंड है और हमारा अलग रेट है, तो ये वाला डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर देगा। क्या कर देगा? देखो दमयंती आप लास्ट क्लास नहीं आए थे ना, आप कल इतना समझ लो, ये जो नेट प्रॉफिट आया है कितना, ये मैंने अपना डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से लिया। अगर मैं मिस्टर सोनू हूं तो मैंने अपना डेप्रिसिएशन अपने हिसाब से लिया, मैंने ये 20,000 का डेप्रिसिएशन लिया, तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया। अगर मैं ये डेप्रिसिएशन नहीं लेता तो मेरा नेट प्रॉफिट और ज्यादा आता कि कम आता? ज्यादा। तो इनकम टैक्स वाला मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ा देगा, मेरा ये खर्चा को मानेगा नहीं, यानी खर्चा डिसअलाउ कर देगा। क्या कर देगा? और खर्चा डिसअलाउ मतलब इनकम में प्लस हो जाएगा। तो जो चीज वो लोग नहीं मानने वाला तुमको खाली उसको प्लस करना है। एक बार वापस बोलो, जो चीज वो लोग नहीं मानेगा उसको, और जो खर्चा मान लेगा उसको कुछ मत करना। अरे भाई तुम खुद सोचो, रेंट जेन्युइन खर्चा है कि नहीं है? है ना। तो अगर उसके लिए कुछ नहीं बोला तो रेंट कुछ मत करना, क्योंकि रेंट लेके तो प्रॉफिट कितना आया मेरा। तो ये लास्ट डे सीखा था तुमने कि जो खर्चा जेन्युइन है उसको लेके कुछ नहीं करना, बट जो खर्चा थोड़ा ऊंचा नीचा है उसको लेके अलाउ डिसअलाउ होता है। डिसअलाउ होता है तो डिसअलाउ होगा तो खर्चा को वापस क्या कर देना, प्लस कर देना। ठीक है। अच्छा वो अलाउ कर देगा, वो माइनस कर देगा, अपना वाला माइनस कर देगा, मेरा वाला प्लस कर देगा। मेरा वाला प्लस कर देगा, माइनस कर देगा। आ जाओ देखो यहाँ पे, ये देखो इनका डेप्रिसिएशन दिया, देखो तो हर्ष तुम ध्यान नहीं दे रहा। डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर इनकम टैक्स दिया है ना, तो इनका वाला माइनस कर देंगे, हमारा वाला क्या कर देंगे। ये तो मैंने लास्ट डे बोला था, जब भी ऐसा समझ देगा, एक डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट फिक्स है, वीडियो देख लेना उसमें बोला हुआ है कि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट फिक्स है। ये भी सीख गया तो एक मार्क्स आ गया, टैक्स में जीरो तो नहीं आएगा कम से कम। टू म्यूनिसिपल, उसके बाद कुछ म्यूनिसिपल टैक्स है, क्या है? अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तुम लोग को मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई भी व्यक्ति खुद को कभी दे सकता, ओडिसला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है, क्योंकि तुम सब जो तुम तो अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा भी दिखा देगा, तुम्हारा मतलब 1,00,000 रुपया दिखा देगा, प्रॉफिट कम कर देगा, तो इनकम टैक्स वाले बोलेगा खुद को जो तुम पैसा दे रहा है वो नहीं चलेगा, वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। अच्छा एक चीज और सुन लो, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अलाउ होता है। क्या होता है? इसका मैं एक अलग क्लास लूंगा तब बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी बोल दिया। एक बार अलाउ होता है, बहुत सारा खर्चा करते हैं हम लोग, एक बार के लिए अलाउ है, अभी और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। उसके बाद मशीन का रेंट पे करता है, पेटेंट परचेज किया, पेटेंट खरीदा, पेटेंट, पेटेंट मतलब एक एसेट है, क्या है? एसेट है, इनटेंजिबल एसेट है, वो खरीद रहा है और उसको खर्चा में डाल रहा है, वो खरीद रहा है पेटेंट और क्या कहां डाल रहा है उसको। उसके बाद प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पता क्या होता है, जब तक बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं ना उस समय जो खर्चा लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हमेशा 1/5 अलाउ होता है। कितना? तो आज ही तुम लोगों को लिखा दूंगा, 20% 1/5 अलाउ होता है, मतलब 8,000 है ना, कितना है 8,000, 8,000 को पूरा नहीं, 8,000 अलाउ नहीं होगा तुमको, खाली 1600 अलाउ होगा ना। तो तुम क्या करेगा, सुन लो मेरा बात, दो तरीका, या तो पहले 8,000 पूरा डिसअलाउ कर दो और जितना अलाउ होना है वो माइनस कर दो। मेरा बात समझा? तो अल्टीमेटली या तो तुम ऐसा कर लो, 80% हटा दो, 8,000 का 80% कितना होता है, 6,400, 8,000 का 80%, तो या तो 6,400 प्लस कर दो, और नहीं तो पहले पूरा डिसअलाउ करो और बाद में 20% वापस अलाउ कर दो। बात तो एक ही, अल्टीमेटली कितना प्लस हो रहा है, या तो फिर हाँ जो पहले बोले, ठीक है, यार माइनस कुछ मत, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सर, पीपीटीडी तो मैंने बताया था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, मेरा स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। प्रोविजन एंटीसिपेटेड होता है, इनकम टैक्स वाला बोलेगा हो गया तेरा प्रोविजन, नहीं ना हुआ बैड डेट, मैं डिसअलाउ करूंगा, जिस दिन होगा उस दिन अलाउ कर दूंगा। क्या बोलेगा इनकम टैक्स? जिस दिन होगा उस दिन अलाउ, अभी तो हुआ नहीं है ना, क्या कर देगा, तो डिसअलाउ मतलब क्या कर देगा, प्रॉफिट में प्लस कर देगा। इनकम टैक्स अभी तो बोला, अरे कितनी बार सीखा इनकम टैक्स, अलाउ या डिसअलाउ, ड्रॉइंग्स डिसअलाउ कर देगा, खर्चा नहीं है ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स तो बैलेंस शीट में जाता है, पीएल में थोड़ी जाएगा, डिसअलाउ क्या कर देगा, प्लस। सेल्स जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो बिजनेस का ही होता है, कोई प्रॉब्लम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बिजनेस इनकम है, नहीं ना, तुमने अपना इनकम बढ़ा के रखा है, कितना से बढ़ा के रखा है, दिस इज नॉट योर बिजनेस इनकम, दिस इज योर सर्टेन अदर इनकम, तो अलग बात है। अच्छा। यहाँ पे देखो ना, ये क्या, आपको परचेस सेल देख के समझना चाहिए ना, स्टॉक मार्केट का तो धंधा नहीं है, वो परचेस कर, स्टॉक मार्केट में वेजेस देगा लेबर को,
बट यू हैव अ पॉइंट, योर क्वेश्चन हैज अ पॉइंट, बट ठीक है अभी वो पॉइंट काम है, बट नेवर माइंड, स्टॉक मार्केट होता तो अलग बात था, ठीक है। तो ये जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम है या फिर कैपिटल गेन है, क्या है सर? कैपिटल गेन हुआ ना ये, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैंड खरीदा था बेचा था, कैपिटल गेन। तो सर तुम इसको बिजनेस इनकम में मत डालना, बिजनेस इनकम से हटा देना, मगर इसको एक अलग जगह पहुंचा दो। कहां पहुंचा दो? कैपिटल, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। अब सुनो, नीचे फिर खोलना पड़ेगा ना कैपिटल गेन, खोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नंबर वन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वेजेस पेड इंक्लूड। बहुत गलती हुआ है, वेजेस कितना दिख रहा है तेरे को? अच्छा नीचे, ऊपर बार बार नीचे क्यों जाता है? नीचे वेजेस कितना पे हुआ? 30,000। लेकिन उस वेजेस में अब नीचे जाओ, कितना मशीन का इंस्टॉलेशन है? गलती हुआ, तुम वेजेस में मशीन का इंस्टॉलेशन डाल सकता है क्या? वो तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए इंस्टॉलेशन चार्ज। तो 30,000 में 2,000 खराब है, तुम अपना झूठ मूठ का 2,000 यहाँ पे बढ़ा के रखा है। अलाउ डिसअलाउ कितना होगा बोलो तुम? 30,000 पूरा खराब नहीं है, 2,000 खाली उसमें मशीन का खर्चा जो मशीन में जाना चाहिए, तो डिसअलाउ कितना होगा? 2,000। केवल 2,000, क्योंकि 2,000 तो इंस्टॉलेशन का चार्जेस है, पूरा 30 तो डिसअलाउ नहीं ना होगा, 2,000 डिसअलाउ कर देंगे, 2,000 प्लस कर देंगे। प्रीमियम एक्सपेंडिचर का तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया मोहित तेरे को, कितना परसेंट अलाउ होता है? 1/5 या 20%। हर्ष अभी तो डेप्रेशन का समझा दिया, तो 80% मैंने समझा दिया, 20% अपने करते हैं साथ सब में। चलो फोटो लिया है कोई? ग्रुप में भेजो ना, वेरी गुड। चलो कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालने बोला वो भी देख लो ना भाई, इसमें लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर बिजनेस बोला है खाली, तो लिख लो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। बहुत इजी सम, 10 marks मुफ्त का है। हाँ नीव, हाँ बोलो ना। कहाँ पे क्या ब्रिज? हाँ ठीक, आओ ना, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, आओ जल्दी। अरे तुम गिर जाएंगे ना, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सोनू, हाँ सोनू, 3 columns, पर्टिकुलर्स, डिटेल, अमाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करोगे? नेट प्रॉफिट से, बताया था क्या लास्ट क्लास? थप्पड़ खा जाओगे, नहीं बोला मेरा, पहला वीडियो देखोगे तो जाके, अभी दिखा दूं क्या? सबसे पहले स्टार्ट ही होता नेट प्रॉफिट से, उसमें प्लस माइनस करेंगे हम लोग। आओ सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ सर, तो लिखो नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स। अब इसमें अलाउ डिसअलाउ करना पड़ता हमेशा, जब भी बिजनेस का सम्स करोगे ऐसे होगा, प्रोफेशन का सम्स वैसे होगा। एग्जाम में कुछ भी देता है ध्यान रखना, बिजनेस का सम ऐसे होगा, प्रोफेशन का सम्स वैसा, मतलब कौन सा यहाँ वाला? प्रोफेशन का सम्स अभी जो किए चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, अलग तो था वो। हाँ एग्जैक्ट, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी टाइप, आउटर, 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 10 और आउटर, समझा। अब सबसे पहले लिख लो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, लंबा लिस्ट है उसका, लंबा लिस्ट है एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। तुम लोगों को समझ गए ना डिजिटल डेबिशन वाला चक्कर? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड, सबसे पहले लाइन से बोलो। देखो एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे एक अलग पेन ले लेता हूँ, रेड रेड ज्यादा हो गया। देखो ये डेप्रेशन को भाड़ में भेज देना, डिसअलाउ कर दे, और ये वाला अलाउ कर देंगे, याद है ना, ये वाला अलाउ कर देंगे, ये वाला डेप्रेशन डिसअलाउ कर देंगे, और ये वाला तो अलाउ कर देंगे तो बाद में माइनस करेंगे, बट ध्यान रखना माइनस करेंगे बाद में, पहले डिसअलाउ कर रहे हैं ना, तो पहले इसको डिसअलाउ करके प्लस कर दो, क्योंकि वाला वो लोग मानेगा नहीं। तो सबसे पहले ऐड डेप्रिसिएशन, सब ऐड होता है ध्यान रखना, सब ऐड होता है, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स, ये डिसअलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना बोला? 10 की 20, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 20,000 है। हाँ हो गया। अच्छा मैंने और एक चीज तुम लोगों को बोला था,
कि वो लोग अलाउ भी तो हो जाएगा। हाँ बट अलाउ का अपने पहले क्या करते, सारा प्लस करना पड़ता है, फिर जब प्लस हो जाएगा फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, पीपीटीडीपीटी से अलाउ हो जाएगा ना 6000, मैंने यहाँ पे काट दिया था कि मेरा काम हो गया, समझ में आ गया मेरे को। पीपीटीडी और इनकम टैक्स दोनों डिसल हो जाएगा ना यार, 6000 और 5000 दोनों लिख लो तुम लोग, पीपीटीडी 6000 और इनकम टैक्स भी डिसल हो जाएगा, राइट। इनकम टैक्स भी क्या हो जाएगा, डिसल, कितना था इनकम टैक्स 5000, क्लियर। अब सर वेजेस में एक चीज याद है क्या, थोड़ा डिसल होगा ना, कितना वेजेस, वेजेस पेड फॉर मिनिस्टर, नहीं नहीं वेजेस, वेजेस में खाली 2000 तो खराब है ना, बाकी तो वेजेस मजदूर को ही दिया है, बट ये वाला इंस्टॉलेशन और मशीन के लिए दिया था, वो डिसल हो जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। हो गया 2000, मैंने वेजेस भी काट दिया, जो जो काम हो रहा है काट दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद को बस एड वेजेस और कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इंटरेस्ट कैपिटल डिसल होगा, क्यों, क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि वो तो खुद को नहीं ना दे सकता इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसअलाउ कर दो, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउ, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेगा खाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, राइट, है ना। पेटेंट बैलेंस शीट में जाता है कि पीएल में जाता है, तो यहां से हटाओ, क्यों खर्चा में डाल के रखा है झूठ मूठ का, जो बैलेंस शीट आइटम है वो बैलेंस शीट में जाएगा, मशीन भी तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, इंस्टॉलेशन इधर डाल दिया है, तो पेटेंट भी डिसअलाउ करो, बैलेंस शीट आइटम को खर्चा में क्यों डालेगा तुम, कितना है पेटेंट, 6000, पेटेंट 6000 है क्या, 4000 है, 4000 पेटेंट भी कट गया, है ना। प्रीलिम एक्सपेंडिचर बोला तो क्या करेगा, 6400 प्लस हो जाएगा, 6400 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे काम करो, ये हटा दो, एड लिखो प्रीलिम एक्सपेंडिचर 1/5, समझा, 1/5 डिसअलाउ, 1/5 अलाउड, तो हमने मतलब 4/5 डिसअलाउ कर दिया ना, 4/5 होता है 6400, याद रखना, अगर 1/5 अलाउ कर रहा हूं तो 4/5 डिसअलाउ कर रहा हूं, 4/5 क्या कर रहा हूं सर, डिसअलाउ कर रहा हूं मैं, 4/5 क्या कर रहा हूं, डिसअलाउ हो गया। अच्छा ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का होता है कि नहीं होता है, परचेज वेजेस रेंट सैलरी म्यूनिसिपल टैक्स सब जेन्युइन खर्चा, ये सब आ जाएगा। मशीनरी का रेंट आएगा क्या, मशीन का रेंट अलाउ या डिसअलाउ, सोच के देखो, अलाउ है मशीन डिसअलाउ है, मगर उसका रेंट तो अलाउ है, तुम मशीन भाड़ा में लिया है, खर्चा ही है तेरा, तब तो मशीन भाड़े में लिया तो खर्चा ही है, तो अलाउ हो जाएगा। और इसके अलावा ये सब तीनों तो सही है, ये दोनों सही है, चलो खर्चा काम हो गया। अब सर एक काम करो, कौन कौन सा एक्सपेंस को वापस हम लोग अलाउ करना है, डेप्रिसिएशन वापस माइनस करना पड़ेगा ना, पहले एक काम करोगे इसका टोटल बता के बाहर ले आओ तो सबका 48 पूरा लो ना, बोलो ना, पेमेंट वाले में जो वो इन्वेस्टमेंट का वो आएगा, तो पेमेंट वाले में नहीं है वो इनकम है, अभी सारा खर्चा का बात कर रहा हूँ, पेमेंट है वो इनकम है सारा, वो आएंगे, वो माइनस करना होगा ना, प्लस तो नहीं करूंगा। 48 400, अब मेरा अभी तक फिगर आ गया 58 400 आ गया, इसका मतलब ऊपर से ले लिया, तो तुमने 10,000 नहीं ना लिया था इसमें, तो अब ये और ये दोनों जोड़ के आ गया 58 400, ये तो अब तक आ चुका 58 400, ये तो कुछ नहीं लिखना होगा उसको, खाली है उसको कुछ नहीं, लेस एक्सपेंडिचर अलाउड, एक्सपेंडिचर अलाउड क्या लिखेगा, एक्सपेंडिचर अलाउड, हाँ एक्सपेंडिचर अलाउड, ठीक है लिखा क्या, चलो सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन अलाउ कर दे क्या, कितना अलाउ करें, 15%, हाँ 15% नहीं, ये डेप्रिसिएशन दिया इन्होंने 6000, डेप्रिसिएशन दे दिया ना 6000, तो 6000 अलाउ हो जाएगा, डेप्रिसिएशन को निकाल के दे देंगे लोग प्लांट एंड मशीन को, तो डेप्रिसिएशन अलाउ कर लो, मतलब माइनस हो जाएगा, अभी कितना होगा 6000 होगा, यस और नो। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपने पास बैलेंस शीट में क्या था, बैलेंस शीट बोल रहा हूँ, पीएल में क्या था, पेटेंट था ना, पेटेंट कितना है, ध्यान रखो इंटेंजिबल एसेट्स पे भी डेप्रिसिएशन लगता है 25%, यस, तो ये बोला नहीं है मगर तुम क्लेम करेगा
4000 का 25% देखा, इसमें तो मंथ देखना नहीं है, 1 जुलाई को खरीदा है ना, 6 महीने से ऊपर यूज किया है तो इनकम टैक्स में तो यही होता है ना, 6 महीने से ऊपर यूज किया तो पूरा 1 साल, तो इसमें पूरा 1 साल का लगा दो। अच्छा, पेटेंट पे हाफ हो जाएगा। हाफ होता अगर मैं हाफ हो जाता। इनकम टैक्स में एक ही चीज है, अगर आप एसेट को 180 डेज से कम यूज करते हो हाफ, 180 से पूरा यूज करते तो पूरा, तो 1 जुलाई है तो पूरे साल का दे दो, तो डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट लिख लो वापस से अलग से, ये बोला नहीं है क्वेश्चन मगर देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ पेटेंट कैसे है, वर्किंग बना लो 4000 का 25%, 4000 का 25% कितना होगा 1000, कितना होगा 1000, 4000 का 25% हो गया। और तो कुछ माइनस करने के लिए है क्या? नहीं है सर, बिजनेस यही दो हो गया है ना, कितना आ गया ये 6 और 1 7000 हो गया क्या टोटल, है ना, ये दोनों एक साथ लेस हो जाएगा 7000। अब ये दोनों बताओ मेरे को कितना हो रहा है फाइनली बिजनेस इनकम, 51400, हाँ उठाओ ना 51400 राइट, क्या हुआ गिर गया क्या। अब एक चीज बताओ, सब कुछ सही था खाली एक चीज गड़बड़ हो गया, एक ऐसा इनकम आया हुआ है जो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, बस उसी को हटाने है, खाली हटाना है ना, इनकम बढ़ा हुआ है ना, हटाना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अलग लिखेंगे क्या, हटाएंगे तो सही लेकिन एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं लिखेंगे ना, उसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर क्रेडिटेड टू अदर हेड लेस एक्सपेंडिचर जो दूसरे हेड में जाना चाहिए, लेस एक्सपेंडिचर क्रेडिटेड टू अदर हेड। कितना दिन से क्लास नहीं आ रहे तुम, हाँ क्यों नहीं आया था, तो वीडियो देखा नहीं ना, मम्मी को फोन मिला, फोन मिला के दो। एक्सपेंडिचर क्रेडिटेड टू अदर हेड कौन सा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फोन मिला के दो मेरे को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 10000 है ना, हाँ फाइनल आंसर कितना आ जाएगा देखो तो 41400 क्या, 41400 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा राइट। क्या बोलेंगे, ये मेरा आ जाएगा पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम बिजनेस इनकम आ गया, अदर हेड्स ये यहाँ का इनकम नहीं था ना, दूसरे हेड का इनकम था ठीक है। अगर तुमको टोटल इनकम बोलता ना, इसका टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम पता क्या निकालता, पीजीबीपी 41 समथिंग और कैपिटल गेन कितना उसका 10000, तो टोटल इनकम 51400 ही आएगा, मगर उसमें उसका बिजनेस इनकम कितना है 41400 और अदर सोर्स मतलब ये कैपिटल इनकम कितना है। तो अगर टोटल इनकम निकालने बोलता ना तो मैं 51400 ही दिखाता, मगर उसको भी दिखाने का तरीका सेम ऐसे ही रहता, पीजीबीपी कितना दिखाता 41 और अलग इनकम फ्रॉम तुम्हारा कैपिटल गेन कितना दिखाता 10000, फिर अलग ऐड कर देता यस, क्योंकि बिजनेस ये रजिस्ट्रेशन 17 है, समझा मेरा बात क्लियर ना, खत्म। हाँ पीजीबीपी इनकम समझा क्या, एक सम होमवर्क।